आइए आगे बढ़ते हैं। भाई वेश ने कहा था, मध्य सरकार का मौसम सुहाना आ गया, आसमां से रहमतों का कुल खजाना आ गया। मौत ने उन बच्चियों के कान में आकर कहा, अब न रोना मुस्कुराने का जमाना आ गया। मौत ने उन बच्चियों के कान में आकर कहा, अब न रोना मुस्कुराने का जमाना आ गया। दोस्तों मैं चाहता हूं कि शकील साहिर साहब के बाद तीन हिंदुस्तान की जबरदस्त आवाजें, सोहेल आजाद साहब, दिल खैराबादी साहब, अब्दुल वाहिद अंसारी साहब, ये वो आवाजें हैं जिनके इंतजार में रात रात भर बैठा जाता है, और ये वो आवाजें हैं जिन आवाजों ने सरकार के जिक्र के लिए अपने आप को वक्फ कर दिया है। हम सरकार का जिक्र रोज नहीं करते हैं, ये लोग रोज सरकार का जिक्र करते हैं। ये कितनी बड़ी बात है, ये सादत की बात है कि सरकार का जिक्र रोज किया जाए, सफर करके किया जाए। यहां से दौड़ के वहां पहुंचते हैं, वहां सरकार का जिक्र, वहां से दौड़ के वहां पहुंचते हैं, वहां सरकार। ये बड़ी नसीब की बात है, ये तो मुकद्दर की बात है। आइए मैं इस वक्त चाहता हूं कि हम शकील साहिर साहब को उसी मोहब्बतों के साथ सुनेंगे, फिर उसके बाद इन आवाजों से आपकी मुलाकात करवाऊंगा। मैं बहुत अदब के साथ शकील साहिर साहब से गुजारिश करता हूं कि यहां तशरीफ लाएं। हमने इस लहजे को हमेशा गजल पढ़ते हुए देखा है, आज हम इस लहजे से नाते पाक सुनना चाहते हैं। बुलंद आवाज से कहें सुभान अल्लाह। आली जनाब मोहतरम इंजीनियर अंसार अहमद अंसारी साहब की सदारत की बरकतें इस मुशायरे को अभी तक संभाले हुए हैं। बुलंद आवाज से कहें सुभान अल्लाह। माशाल्लाह बहुत बुलंद आवाज है। मोहतरम सामीन हाजरी निगरामी, मैं एक बात आपको अर्ज करता चलूं कि मैं नात का शायर नहीं हूं, और पहला इत्तेफाक है तबारक भाई की मोहब्बत है कि उन्होंने मुझे नातिया मुशायरे में मदो किया। मैं चाहता हूं कि अपनी हाजिरी दर्ज कराते हुए उसके बाद तरन्नुम से अगर नात पढ़ी जाती है तो शायद उसमें ज़्यादा मज़ा आता है जी भाई। और मैं तहत का शायर हूं, दिल भाई देखिएगा, चार मिसरे हाजिर करता हूं, ज़्यादा वक्त नहीं लूंगा, सिर्फ हाजिरी दर्ज कराना चाहता हूं आपकी। मैं कतात और नज़मों का शायर हूं, आप मुझसे वाकिफ होंगे, सुनिएगा इरशाद भाई। चार मिसरे हाजिर करता हूँ कि आँखों में इंतज़ार का लम्हा दिखाई दे, आंखों में इंतजार का लम्हा दिखाई और महसूस कर करो तो करिश्मा दिखाई दे। क्या बात है, आंखों में इंतजार का लम्हा दिखाई दे और महसूस कर करो तो करिश्मा दिखाई दे, और ईमान आपका है सलामत तो देखना, सजदा करो तो गुंबद खजरा दिखाई दे। क्या बात है भाई, वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह भाई, शकील भाई वाह वाह। सजदा करो तो गुंबद खजरा दिखाई दे। एक शेर और पढ़ता हूं दोस्तों कि न दुनिया में न जन्नत की बहारों के खजीने में, बहुत बहुत शुक्रिया तबारक भाई को कि उन्होंने मुझे नातिया मुशायरे में भी पढ़ने का मौका दिया, कि न दुनिया में न जन्नत की बहारों के खजीने में खुदा ने जो महक दी है मोहम्मद के पसीने में, और अंधेरा कब्र का छट जाएगा ईमान की बरकत से, जमाले मुस्तफा का नूर है दिल के नगीने में। क्या बात है भाई, सुभान अल्लाह भाई, वाह वाह वाह, जमाले मुस्तफा का नूर है दिल के नगीने में, सुभान अल्लाह भाई वाह। और ये शेर भी सुनिएगा दोस्तों के मौला ने, वाहिद भाई जी भाई, के मौला ने एक पल में उतारी है जिंदगी, मौला ने एक पल में उतारी है जिंदगी, और अहमद ने सारी उम्र संवारी है जिंदगी। क्या बात है, मौला ने एक पल में उतारी है जिंदगी, और अहमद ने सारी उम्र संवारी है जिंदगी, और कादिर नहीं है एक भी लम्हे पे आदमी, फिर भी ये नाज है कि हमारी है जिंदगी। क्या बात है भाई, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, कादिर नहीं है एक भी लम्हे पे आदमी। डॉक्टर एजाज साहब की जानिब से भाई माशाल्लाह नजराना आया है, मुबारक, बहुत बहुत शुक्रिया, ये मेरे लिए बहुत ही बड़ा मकाम है। नातिया मुशायरे में मैं नात के अशार पेश कर रहा हूं। एक शेर और देखिएगा दिल भाई, के मौला ने एक पल में उतारी है जिंदगी, और अहमद ने सारी उम्र संवारी है जिंदगी, और कादिर नहीं है एक भी लम्हे पे आदमी,
फिर भी ये नाज है कि हमारी है जिंदगी। क्या बात है, हम एक दूसरे को अच्छी तरह जानते हैं लेकिन अपने आप से अपने आप को हम बहुत कम पहचानते हैं। एक शेर में देता हूं इरशाद भाई, देखिएगा कि जिंदगी बर्ग की मानिंद बिखर जाती है, जिंदगी बर्ग की मानिंद बिखर जाती है, जाने आती है कहां से और किधर जाती है। क्या बात है, अच्छा। जिंदगी बर्ग की मानिंद बिखर जाती है, जाने आती है कहां से और किधर जाती है। आदमी खुद से मुलाकात कर नहीं पाता, ढूंढते ढूंढते एक उम्र गुजर जाती है। क्या बात है भाई, वाह। आदमी खुद से मुलाकात कर नहीं पाता, ढूंढते ढूंढते एक उम्र गुजर जाती है। आखिरी शेर, उसके बाद मैं अपनी जगह लेना चाहूंगा। मेरे क्रम फरमा डॉक्टर साजिद साहब यहाँ बैठे हैं, रियाज भाई कुंवर सईद साहब, रमजान भाई, भाई अब्दुल वहीद साहब, मास्टर साहब यहाँ पर। आखिरी शेर मैं पढ़ता हूँ इरशाद भाई, एक मैसेज एक पैगाम मैं देने के बाद बैठता हूँ, क्योंकि नात का जो मुशायरा होता है, नात का जो माहौल बनता है, वो तरन्नुम के शायरों से बनता है। और माशाल्लाह हमारी डाइस पर दिल खैराबादी, सोहेल आजाद, वाहिद अंसारी। एक शेर, आखिरी शेर, उसके बाद मैं अपनी जगह लेना चाहूंगा कि जीना है चंद रोज तो ये एहतमाम क्यों, जीना है चंद रोज तो ये, जीना है चंद रोज तो ये एहतमाम क्यों, और इंसान बन गया है हवस का गुलाम क्यों। क्या बात है, अच्छा मतलब। जीना है चंद रोज तो ये एहतमाम क्यों, इंसान बन गया है हवस का गुलाम क्यों, और इंसाफ तो यही है कि गम बांट लीजिए सारे जहां का दर्द गरीबों के नाम क्यों। इंसाफ तो यही है कि गम बांट लीजिए सारे जहां का दर्द गरीबों के नाम क्यों। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।